जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी तो उम्मीद तो यही थी कि ये शायद रिजल्ट जो है वो 3-0 होंगे, पर वो भारत ये सीरीज जीतेगा क्योंकि जिस तरीके की भारत की टीम है। बट दे आउट प्लेड अस, दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस, यही कह सकता हूँ। और जो कंडीशंस थी वो जो बनाई गई थी कंडीशंस, वो उसका भरपूर फायदा उठाया न्यूजीलैंड। दे वर द स्मार्टेस्ट टीम एंड दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस। सिंपली वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। रोहित जी ने कहा है कि कैप्टन होने के नाते मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखिए, कप्तान के ऊपर जरूर जिम्मेदारी होती है, मगर साथ ही साथ जो टीम है, टीम की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी कप्तान की बनती है। ये बात सही है कि कप्तान जब जीतता है तो उसकी सराहना भी बहुत होती है, जब कप्तान हारता है तो उसकी बातें भी बहुत सुननी पड़ती हैं। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बहुत सारे कप्तान ऐसे भी थे जिन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, पर जीत की खुशी में हमेशा वो सबसे आगे आगे खड़े हुए हैं। तो बट नाइस ऑफ हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो और मुश्किल वाला टूर है। पर एक चीज़ वहाँ पे अच्छी होगी, जो कंडीशंस है वो बेटर होगी क्रिकेट के लिए। जो ये कंडीशंस थी ये बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ स्पिन थी, जहाँ मतलब दूसरों के लिए खड्डा खोदा तो था पर गिर खुद गए। और ये आज से नहीं, कई सालों से चलते आ रहा है कि लगातार ऐसी पिचेस पे क्रिकेट होती है जहाँ 3-3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो कुछ पिचेस तो ऐसी हैं जहाँ 2.25 दिन में भी मैच खत्म हो गया, 2.5 दिन में भी मैच खत्म हो गया, तो जो कि एक सही आईना नहीं दिखाता है टेस्ट क्रिकेट का। तो टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है कि 5 दिन का मैच, 5 दिन वो गेम चले, उसमें जो टीम अच्छा खेले वो जीते। क्योंकि ऐसी जब हम पिचेस बनाते हैं तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई टीम तो जो है वो भारी पड़ेगी, और न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया है। पहले एक बार इंग्लैंड भी ऐसे भारी पड़ी थी, वो भी बिल्कुल सीरीज जीत के गई थी। तो कंडीशंस जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से होती आ रही है। स्पिन के फेवर में इतनी ज़्यादा पिचेस बनाई जा रही है जिसमें ऐसे रिजल्ट जो हैं वो आने फिर कभी ना कभी तो जो है वो आ ही जाएंगे। पर अगर अच्छी विकेट पे क्रिकेट खेले तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जो 121 रन बनाए हैं कि उतने उतने तक की सक्षम है। मुझे लगता है कि इनमें बहुत काबिलियत है, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, इसमें बहुत सारे कैरियर है जो ख़राब भी हुए हैं। रहाने का कैरियर जो है वो ख़राब हुआ है, और कई प्लेयर हैं जो उनकी एवरेज जो है नीचे गिरी है। लोग विराट कोहली की बात करते हैं, भारत के जब भारत में मैचेस होते हैं तब इनका रिकॉर्ड कुछ और है, बाहर जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले विपरीत हुआ करता था, भारत की पिचेस पे जो खेलते थे उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता था, रन ज़्यादा बनाते थे, और बाहर थोड़ी सी एवरेज में गिरावट आती थी। बट अब अगर देखें तो क्योंकि बाहर की पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी बेटर होती हैं, वहाँ पे हमारे इंडियन बैट्समैन फ्लरिश करते हैं, वहाँ उनकी एवरेजेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे हमारे हर एक बल्लेबाज की जो एवरेज जो है वो गिरी है। तो कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजों का जब तक नहीं रहेगा तो फिर टीम कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रन बनाने में जल्दबाजी की है क्योंकि फर्स्ट डे था, ये एक और दिन पड़ा था। कंडीशंस वैसी थी ना, क्योंकि आप डिफेंस कर नहीं सकते, अगर बॉल रोक रहे हो श्योर शॉट नहीं होगी कि बॉल कहाँ जा रहा है। तो अगर स्पिनर को ही नहीं पता उसका बॉल कहाँ जा रहा है तो बल्लेबाज को कैसे पता होगा कि बॉल किस तरफ जाएगा। तो आई थिंक कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी क्रिकेट अगर खेलनी है तो अच्छी विकेट पे खेलनी होगी। अच्छी विकेट पे आप अच्छी क्रिकेट खेल के मुझे लगता है कि आराम से न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप 2-0 से 2-1 से हरा सकते थे। पर ऐसी कंडीशन में जहाँ न्यूजीलैंड मुझे लगता है ये खुद सोच के आया होगा कि उनको कोई चांस नहीं है, बट जब वो टॉस जीत जाते हैं तो वही टीम हमारे पे भारी पड़ गई। तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है ऐसी पिचेस में। विराट के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है, और ऐसी पिचेस पे आप किसी भी बल्लेबाज को ना वो नहीं मान सकते कि ये ऐसी पिचेस पे विराट कोहली रन बनाए, क्योंकि ये ऐसी पिच है कि कोई भी सेट बल्लेबाज वो कभी भी आउट हो सकता है, कि यू आर नेवर इन एज ए बैटर। तो ये असली टेस्ट होगा अभी जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मुझे उम्मीद भी है और थोड़ा यकीन भी है कि विराट कोहली वहाँ पे इससे बेहतर खेलेंगे। और क्योंकि पिचेस अच्छी होंगी तो विराट कोहली का गेम भी निखर के आएगा। रन नहीं बने तो मैं तो जो पिचेस को काफ़ी हद तक उस चीज़ का दोषी ठहराऊंगा। हाँ, एक आध बार रन आउट भी हुए, थोड़ी वो
कॉलिंग में वहाँ पे वो गलती हुई, बट ओवरऑल जो कंडीशंस को मैं तो ये जो है वो कहूँगा बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ स्पिन जो बनते आ रही है उसी के कारण हमें ये जो नुकसान हुआ। अब देखिए ये पिचेस के ऊपर एजाज पटेल ने विकेट ली, मिच सेंटनर ने विकेट ली, और क्योंकि आप ये देखिए ऐसी पिच पे इतनी मदद है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टिकाने अच्छे टिकाने पे बॉल डालना है और आपकी काबिलियत सिर्फ वही है कि आपने अगर 10 में से 9.5 बॉल 10 बॉल वहाँ गिरा दिए तो निश्चित रूप पे बॉल इतना कुछ हरकत कर रहा है कि कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाएगा, चाहे वो विराट कोहली हो, दिग्गज बल्लेबाज, चाहे जो रूट की बात करें, किसी को भी ले आइए, ऐसी विकेटों पर कोई भी बल्लेबाज जो है वो सेट नहीं हो सकता है। तो थोड़ी सी जहाँ कंडीशन बेटर होती है वहाँ पे गेंदबाजों को मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ अरसे से विकेटें ऐसे बन रही हैं जहाँ पे गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स अगर आप देखें इन सारे टेस्ट मैचों में, तीनों टेस्ट मैचों में उन्होंने तो बॉलिंग ही नहीं करी। तो जहाँ स्पिन से टेस्ट मैच शुरू होता है, स्पिन से ख़त्म हो जाता है, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है, आप समझ सकते हो कि वो किस किस तरीके की पिच पर हम मैच खेले हैं। तो दोषी हमने अपने आप को ही ठहराना चाहिए कि कंडीशंस हमने ऐसी प्रिपेयर की है, किसी ने सामने विजिटिंग टूर जो कर रही है टीम उन्होंने तो ऐसी पिचेस नहीं मांगी हैं, क्योंकि जो उनको पिचेस मिलती हैं उन पे खेलते हैं और वो कंडीशन का उन्होंने हमारे से बेहतर फायदा उठाया। किसी ने कहा है कि कैप्टन होने के नाते मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखिए कप्तान के ऊपर ज़रूर जिम्मेदारी होती है, मगर साथ ही साथ जो टीम है टीम की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी कप्तान की बनती है। ये बात सही है कि कप्तान जब जीतता है तो उसकी सराहना भी बहुत होती है, जब कप्तान हारता है तो उसकी बातें भी बहुत सुननी पड़ती हैं, तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बहुत सारे कप्तान ऐसे भी थे जिन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, पर जीत की खुशी में हमेशा वो सबसे आगे आगे खड़े हुए हैं। तो बट नाइस ऑफ हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो और मुश्किल वाला टूर है, पर एक चीज़ वहाँ पे अच्छी होगी, जो कंडीशंस है वो बेटर होगी क्रिकेट के लिए। जो ये कंडीशंस थी ये बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ स्पिन थी, जहाँ मतलब दूसरों के लिए खड्डा खोदा तो था पर गिर खुद गए, और ये आज से नहीं कई सालों से चलते आ रहा है कि लगातार ऐसी पिचेस पे क्रिकेट होती है जहाँ 3-3 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। कोई कोई पिचेस तो ऐसी हैं जहाँ 2.25 दिन में भी मैच ख़त्म हो गया, 2.5 दिन में भी मैच, जो कि एक सही आईना नहीं दिखाता है टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है कि 5 दिन का मैच, 5 दिन वो गेम चले, उसमें जो टीम अच्छा खेले वो जीते, क्योंकि ऐसी जब हम पिचेस बनाते हैं तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई टीम तो जो है वो भारी पड़ेगी, और न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया है, पहले एक बार इंग्लैंड भी ऐसे भारी पड़ी थी, वो भी सीरीज जीत के गई थी। तो कंडीशंस जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से होती आ रही है स्पिन के फेवर में, इतनी ज़्यादा पिचेस बनाई जा रही है जिसमें ऐसे रिजल्ट जो हैं वो आने फिर कभी ना कभी तो जो है वो आ ही जाएंगे। पर अगर अच्छी विकेट पे क्रिकेट खेलें तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जो 121 रन बनाए हैं कि उतने तक की सक्षम है, मुझे लगता है कि इनमें बहुत काबिलियत है, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, इसमें बहुत सारे करियर है जो ख़राब भी हुए हैं, रहाने का करियर जो है वो ख़राब हुआ है, और कई प्लेयर हैं जिनकी एवरेज